हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय लोटनराम निषाद जी हैं। आज बनारस में उनका आगमन हुआ है, तो बनारस में 25 जुलाई को जो फूलन देवी जी का जो पूर्व सांसद रही हैं उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है, तो आज उसके बारे में जानते हैं क्या तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय लोटनराम जी, बताएँ आप क्या तैयारी है। आगामी 25 जुलाई को वीरांगना बहन फूलन देवी के 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो है कि बनारस के सूजाबाद पड़ाव में उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय जो है वीआईपी पार्टी के द्वारा लिया गया है, और 25 जुलाई को सन ऑफ मल्ला के रूप में ख्यात जो वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में जो है पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री हैं, उनके कर कमलों द्वारा वीरांगना बहन फूलन देवी की प्रतिमा का अनावरण सूजाबाद पड़ाव में जो रोहनिया विधानसभा अंतर्गत वाराणसी जनपद में आता है करेंगे। और मैं उस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की और माननीय मंत्री जी की वाराणसी एयरपोर्ट से बाबतपुर एयरपोर्ट से अगवानी में मैं अपने पिछड़े दलित वंचित समाज के साथ साथ विशेष रूप से मैं अपने निषाद समाज के मल्लाह केवट बिंद कश्यप समाज के जो सम्मानित साथी हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 25 जुलाई को समय अनुसार समय बता दिया जाएगा, आप समय अनुसार जो है बाबतपुर एयरपोर्ट पर जो है कि आप अधिक से अधिक गाड़ियों के संख्या के साथ जो है उपस्थित होना है। भीड़ की चिंता आप लोगों को नहीं करना है, सबसे बड़ी चिंता है कि मंत्री जी के स्वागत में, मंत्री जी की अगवानी में अधिक से अधिक गाड़ियों का जत्था दिखाई देना चाहिए, ताकि राजनीतिक दलों के ऊपर, सरकार के ऊपर और अन्य समाज के लोगों के बीच में अच्छा संदेश जाए कि निषाद समाज अब सोया नहीं है, अब जाग गया है। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि प्रशासन की तरफ से किसी तरह का परमिशन में परेशानी या किसी तरह का बाधा उत्पन्न हो रहा है, सुनने में आया? देखिए, जैसा कि अभी मालूम हुआ है, जब तक हमें लिखित में नहीं मिल जाता, सुनने में आया है कि SHO के द्वारा यह कहा गया है कि शासन का निर्देश है कि फूलन देवी के नाम पर या फूलन का फोटो लगाकर या प्रतिमा लगा करके या तस्वीर लगा करके भी कोई कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नहीं तो ऐसा शासन का निर्देश है, और यह बताया गया कि फूलन देवी एक डकैत थी, फूलन देवी हत्यारिन थी, अगर ऐसा किसी अधिकारी के जेहन में बात है तो वह उसका मानसिक दिवालियेपन का शिकार है। हम लोग 25 जुलाई को वीरांगना बहन फूलन देवी की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वीरांगना फूलन देवी बलिदान दिवस, शहादत दिवस का आयोजन करेंगे। अगर शासन प्रशासन अगर इस तरह बात करता है तो हम लोगों को लिखित जवाब चाहिए कि फूलन देवी के नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, अन्यथा शासन प्रशासन अगर हमारे कार्यक्रम को रोकने का प्रयास करता है तो यह निषाद समाज अंग्रेजों से देश की आज़ादी के लिए लड़ा तो अपनी बहन फूलन देवी सम्मान में, अपने निषाद समाज के पिछड़े दलित वंचित समाज के सम्मान में हम यहाँ के जो रोक डालने का काम कर रहे हैं उनसे हम तो शांति से आग्रह करना चाहते हैं, लेकिन अगर वह कड़ा रुख अपनाएंगे तो निषाद समाज भी लाठी डंडे के साथ हो करवा पत्थर के साथ आगे आए। एक सवाल और है मेरा कि जिस तरह से जो है फूलन देवी जी वो सांसद थी, दो दो बार सांसद रही हैं, और उनको जो केस थे जिनके वो सरकार ने माफ़ किए थे, लेकिन आज जो ऐसे जो उन्हें जो बयान दिया है वो हत्यारिन थी, इस विषय में क्या बोलेंगे? देखिए, बहन वीरांगना फूलन देवी जी जो बेहमई का कांड हुआ था, उसी बेहमई गांव में हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी का अपहरण करके 22 दिनों तक सामंती जाति के लोगों के द्वारा उनके साथ बलात्कार का कांड किया गया, और वीरांगना बहन फूलन देवी जैसी कि आज बहन बेटियों की ये बातें उभर कर आती है कि वो लड़की के साथ छेड़खानी हुई, किसी महिला के साथ बलात्कार का केस हुआ और वो महिला जो है कि उस अपमान को सह नहीं पाई, पेड़ पर लटक कर, धरन पर लटक कर, पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर लिया, तेल छिड़क कर, पेट्रोल छिड़क कर करके आग लगा करके मर गई। हमारी बहन ने नारी समाज को कि तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो, अपनी ताकत को आपको पहचानने की ज़रूरत है। अगर कोई अत्याचारी हमारी बहन बेटी के साथ अनाचार दुराचार करता है तो उसे मुँह तोड़ जवाब देना होगा, और वीरांगना बहन फूलन देवी ने आत्महत्या न कर करके, जिन्होंने उन्हें नंगा करके बेहमई गाँव में कुएं से पानी खिंचवाया था, हमारी बहन की 22 दिनों तक लगातार बलात्कार कांड किया था, हमारी बहन ने जो है सच्ची दुर्गा की भूमिका अपनाते हुए उन आतताइयों को रास्ता से हटाने का काम किया। राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारी बहन बेटी की तरफ कोई निगाह उठा करके देखे तो उसके पेट में छुरा भोंक देना चाहिए। गांधी जी
को लोग आदर्श मानते हैं, हमारी बहन की आबरू लूटी गई, उसके साथ पाशविक व्यवहार किया गया। अगर हमारी बहन फूलन देवी ने अगर उन आताइयों को रास्ते से हटाने का काम किया, फूलन देवी को एक जाति के दायरे में नहीं बांधा जा सकता, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, वंचित हो, अकलियत हो, पसमानदा समाज हो, सारे समाज की बहन बेटियों के को एक नया संदेश देने का वीरांगना बहन फूलन देवी ने काम किया। और अमेरिका की सम्मानित पत्रिका ने वीरांगना फूलन देवी को देश की पहली और विश्व की चौथी जो है क्रांतिकारी महिला का खिताब दे करके सम्मान देने का काम किया है। लेकिन जातिवादी लोगों का जिनका प्रशासन पर जिन पर कब्जा है, वो लोग वीरांगना फूलन देवी को द्वेष बस उनकी प्रतिमा लगवाने में एक सवाल, एक सवाल मेरा तो हम लोग रुकेंगे नहीं। एक सवाल और मेरा कि जिस तरह से पूर्व सांसद रही है, वो दो दो बार सांसद रही है, और देश में जो संविधान के दायरे में रह के जो सांसद को जो सम्मान मिलता है, और जिस तरह से गवर्नमेंट किसी की भी हो, गवर्नमेंट किसी स्थायी नहीं होती है, सम्मान मिलता है पूर्व सांसदों को, तो क्या आपको लगता है कि बहन फूलन देवी जी के साथ वो सम्मान नहीं मिलता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है, इस बारे में क्या बोलेंगे आप? वीरांगना बहन फूलन देवी 1996 में और 1999 में बीत करके देश के सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व की, और जैसा कि ये कहा जाता है डकैत थी, हत्यारिन थी। वीरांगना बहन फूलन देवी के सारे मामलों को 20 जनवरी 1994 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सम्मानित सरकार ने सारे मुकदमों को वापस लेने का आदेश दिया, और 20 फरवरी 1994 को सारे मुकदमे 86 मुकदमे वापस करके वीरांगना फूलन देवी को जेल से बाहर किया गया। और जब उन्हें क्लीन चिट मिल गया तो आखिर में कोई अपराधी कैसे कहता है, कोई हत्यारिन क्यों कहता है, जिसे जनता ने चुन करके अपने बहुमूल्य मत से उन्हें संसद में भेजा। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक सांसद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका नाम हो, ख्याति प्राप्त हो, और संसद की कार्यवाही चल रही हो, और 44 ससों का रोड पर जो है फूलन देवी का जो है कि दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, आज अगला सा नेता मारा जाता है तो उसकी हत्या की सीबीआई जांच होती है, और वीरांगना फूलन देवी जो उस समय सांसद थी, संसद की कार्रवाई से घर पर खाना खाने के लिए आई और उनके गेट पर जो है उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन देश की सरकार ने उनकी हत्या की सीबीआई जांच नहीं कराया। मैं आज भी मांग करता हूं कि फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या दिन दहाड़े किया था, उसने स्वीकार भी किया था कि बेहमई कांड का बदला लेने के लिए मैंने फूलन देवी की हत्या किया है, और शेर सिंह राणा दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी बनते हैं जो हम लोगों के पड़ोसी जनपद चंदौली के रहने वाले हैं, पेरोल पर किसी को एक महीना दो महीना के लिए छोड़ा जाता है, और जून जुलाई 2014 को शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल से पेरोल पर छोड़ा जाता है। आज छुट्टा सांड की तरह हुआ घूम रहा है, और उसके समाज के लोग उसे करणी सेना का अध्यक्ष बना करके उसका जो है कि छत्री कुल गौरव का खिताब दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उसे स्टार प्रचारक बनाया। यह जो है कि सरासर गरीबों का, पिछड़ों का, वंचितों का अपमान है। अगर गलती कोई भी करता है, चाहे वह पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे संविधान के तहत, उसे न्याय व्यवस्था के तहत उसे दंडित किया जाना चाहिए। और शेर सिंह राणा आज जगह जगह घूम रहे हैं और उनके समाज के लोग छत्री गुलकौरों का खिताब दे करके मुकुट पहना रहे हैं, यह इस समाज का अपमान है। और निषाद समाज के कार्यक्रम को अगर रोकने का प्रयास किया गया, फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करने से रोका गया, तो प्रशासन की, शासन की यह जिम्मेदारी होगी निषादों से जो है कि आप जो है झूठा जो है अदावत न करिए, इनसे टकराने की जो है हिम्मत न जुटाइए, नहीं तो निषाद समाज अगर अपनी असलियत पर आ गया तो शासन प्रशासन जो है कि शांति व्यवस्था कायम नहीं कर पाएगा। मैं शासन प्रशासन के लोगों से आग्रह करता हूं कि 25 जुलाई का कार्यक्रम जो हम लोगों का सूजाबाद पड़ाव में है, शांतिपूर्वक संपन्न कराने में मदद करें। अगर रोकने का प्रयास किए, फूलन देवी की प्रतिमा लगाने पर अवरोध पैदा किए, तो निषाद समाज माफ नहीं करेगा। निषाद समाज जो है एकजुट होकर के अपने वोट की ताकत से रोकने वालों को सबक सिखाने का काम करेगा।